भाई बहन राम मूर्त यादव घर शरीफ बता रहे हैं इनकी गवाही है, इनकी भी वही गवाही है जो भाई गुरुवार के दिन आए थे, सबसे भारी चंगाई इनको मिली है। इनको विश्वास था कि हम जो है रविवार के दिन प्रार्थना सभा में जाएंगे तो परमेश्वर पूरी रीति से मुझे चंगा कर देगा। यह भाई वही है बता रहे हैं कि आज मुझे मैं विश्वास से मैं प्रार्थना कर रहा था, ये भाई बता कि आज पूरी रीति से परमेश्वर इनको छुआ है और चंगा कर दिया है, इसलिए तेज ताली के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। सात आठ बरस से पैर में दर्द था, आठ बरस से पैर में दर्द था, बरस से पूरा चलता था, पूरा पैर भर जाता था। अच्छा। लेकिन जब से गुरुवार से आए ना तब से पैर ठीक है पूरा, आज पूरी नीचे से परमेश्वर चंगा कर दिया। तो इसके लिए आप कोई दवा इलाज करवाया आपने? करवाया था, दवा दवा से कोई फायदा नहीं होता। अच्छा। दवा से कोई फायदा नहीं होता, जब तक दवा का ठीक था फिर उससे हो जाता। प्रार्थना सभा में कौन आपको बताया कि यहाँ आने लगी? बताए जो यहाँ पे जो है उनकी जगह है, तब से यहाँ पर आने लगी। अच्छा अच्छा, गुरुवार के दिन पहली बार आए हैं, ये गुरुवार के दिन पहली बार आया, दूसरी मरतबा है, सिर्फ तैतालीस हजार परमेश्वर जी ने मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप हर दिन के जो वचन आप सुनते हो, जो गवाहियां आप देखते हो और जो चंगाइयां आपके बीच में होती है, कोई चंगा होता है तो वो चंगा करता है तो आप देखते हो, इन सारी चीजों को वीडियो के माध्यम से रिकॉर्डिंग किया जाता है और उसकी गवाहियां रखी जाती है। जिसको जरूरत होती है देखने की वो अपने मोबाइल में भरवा कर या अपने मेमोरी कार्ड में भरवा कर किया था इसी गुरुवार को, और वह रिकॉर्डिंग जो है कि रखी गई है। अगर आप उस रिकॉर्डिंग को देखना चाहते हो, उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल में भरवा के देख लीजिएगा। उस दिन ये भाई उस लोगों में यानी पांच लोग थे, पांच लोग में शामिल थे और इनसे पूछा गया, ये कहे कि भैया आज पहली बार आ रहे, उस दिन पहला दिन था और ये आठ सालों से पीड़ित थे, उठना बैठना चलना इनके लिए भारी बन गया था, लेकिन उस दिन प्रभु ने इनके जीवन में चमत्कार किया। और बता रहे थे उसी दिन क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरे जो दर्द है दर्द तो निकल गई, तुरंत ये दौड़ कर लोगों के सामने दिखाए, लेकिन थोड़ा बहुत शरीर में दर्द बनी रहती थी, यानी बनी थी अभी भी, यानी गुरुवार को तो चंगा हो गया, पैर ठीक ठाक हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत दर्द शरीर में बना था। लेकिन इन्हें विश्वास था कि अगर एक दिन में आठ साल तक बीमारी निकल सकते थे तो दूसरे का दिन में तो कौन निकल ले। हालेलुया। और आज बता रहे कि मैं विश्वास से प्रार्थना में सम्मिलित था और विश्वास से आशीष को ग्रहण किया और प्रभु ने इन्हें छुआ और इनके शरीर के सारा दर्द सारी तकलीफें निकल गई है। ये बता रहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए जोरदार ताली बजा कर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चल सकते हो, जरा दौड़ कर दिखाइए लोगों को, दौड़िए तो दौड़िए दिखाइए, फिर से दौड़ कर दिखाइए, हाँ तेजी से तेजी दौड़िए दौड़िए, पहले ऐसे दौड़ पाओ तो या नहीं तकलीफ होता है। अरे पूरा पैर में भर जाता था, पूरा थोड़ा दूर चलते भर जाता, पैदल थोड़ा दूर चलने में भर जाता था, अब दौड़ने में कोई नहीं दिक्कत होती, दिक्कत बिल्कुल ठीक हो। किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह। तो भी पहले दिन आए थे, ठीक है चलो, परमेश्वर का धन्यवाद। आप पहले दिन आओ, दूसरे दिन आओ, ये एक महीने से आओ, एक साल से आओ, ये मायने नहीं रखता है। आप आ रहे हो तो पूर्ण विश्वास किस दिन रख रहे हो वह मायने रखता है। अब विश्वास से प्रभु को किस दिन ग्रहण कर रहे हो और किस दिन अटूट विश्वास आपको दिखा रहे हो वो मायने रखता है। इसलिए बार बार कहा जाता है अब प्रभु के ऊपर विश्वास रखो, उसकी बातों पे आज्ञाओं पे वचनों पे विश्वास रखो, ताकि आपका विश्वास परमेश्वर का चमत्कार आपके जीवन में प्रकट करे।